ओम शांति। मैं एक एनर्जी हूँ, आप भी एक एनर्जी हैं। मैं जो सोचती हूँ, बोलती हूँ, व्यवहार में आती हूँ, आई एम रेडिएटिंग दैट एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी कौन सी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एनर्जी का रोल है, अब जो एनर्जी रेडिएट करते जाओगे वो आपके पास कभी ना कभी लौट कर आएगी। इट नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म बट इट नेवर गेट डिस्ट्रॉयड। अभी सोचिए, हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं? वैसे सर्वे ये कहता है कि हम ज़्यादातर अपने पास्ट लाइफ का सोचते हैं, माना 70% हमारे जो थॉट्स होते हैं वो पास्ट के होते हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा किस टाइप के एनर्जी को रेडिएट करते हैं? रिजेक्शन, रेजिस्टेंस, रिजेक्शन। हम जब पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हम क्या कहते हैं, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ये गलत नहीं होना चाहिए था, तो मैंने रिजेक्शन की एनर्जी भेजी। मेरे साथ इतना अच्छा मैंने करने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो कौन सी दो टाइप की एनर्जी हम बार बार रेडिएट कर रहे हैं? रिजेक्शन, रेजिस्टेंस। सिंपल रूल, अब जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं वो आपके पास किसी न किसी फॉर्म में आने वाली है। और फिर हम कहते हैं, आई एम फीलिंग वेरी लो, वेरी लो, आई फील वेरी ड्रेन्ड आउट। क्यों आप लो फील कर रहे हैं? क्योंकि बार बार मन में उस टाइप के विचार चल रहे हैं पास्ट के। अब इस पर उपाय क्या? इसके लिए हील योरसेल्फ। मुझे खुद को ही खुद को ठीक करना है। और हीलिंग की एनर्जी कौन सी है? हीलिंग की एनर्जी है लव, प्रेम, प्यार। और ये प्यार बाहर से नहीं, हील योरसेल्फ विद द लविंग एनर्जी। और ये प्यार माना क्या? अपने पास्ट को, अपनी लाइफ जर्नी को सहर्ष एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना अनकंडीशनली, अपनी भूलों को, मिस्टेक्स को, गलतियों को स्वीकार करना अनकंडीशनली, इसे कहते हैं प्यार, लव योरसेल्फ। जब हम अपने मन को ये कहेंगे, यस, मैं अपनी इस जीवन यात्रा को स्वीकार करता हूँ, मेरी जीवन आज तक जैसी भी रही, मेरे हाथ से, मेरे से जो भी मिस्टेक्स हो गई, भूले हो गई, हार हो गई, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे हो गई, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। दिस इज पार्ट ऑफ दिस जर्नी, सो आई लव दिस जर्नी, आई लव माई रियल सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। कितनी सुंदर बात है, मैं अपने आप को, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। और ये स्वीकार करने से क्या होगा? मैं अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को करेक्ट करना, सुधारना मैं शुरू कर दूँगी। और ये प्यार की एनर्जी मुझे अपने आप हील करती जाएगी। तो मन किससे भर जाएगा? शुद्ध प्यार से। तो आओ, खुद को हील करो। हैप्पी डे।